हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी पूरा शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से परिवर्तन भाई। दोस्तों, हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सी क्लास, जिसमें हम ट्रिक और टॉपिक के साथ आपको कराते हैं न्यूमेरिकल थ्योरी की बेहतरीन तैयारी। तो दोस्तों, स्टार्ट की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे पॉइंट के साथ। और जैसा कि आपने थंबनेल पर भी आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है एम्पीयर का परिपथीय नियम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था लास्ट टाइम। क्या पढ़ा था? डी बी इक्वल टू, मेरे साथ बात बोलेंगे आप, वी नॉट अपन फोर बाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, यानी किसी भी तार के अल्पांश से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके दो अनुप्रयोग पढ़े थे कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर और उस कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। बिल्कुल ऐसे ही अब यहाँ पर स्टडी करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या नियम, उसको प्रूव करेंगे। एग्जाम में पिछले लास्ट टाइम तीन साल से लॉकडाउन में तो एग्जाम हुआ नहीं था, उसके बाद और पहले जो एग्जाम हुआ उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूफ कीजिए या स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। फिर आगे के वीडियोस में एम्पियर के परिपथीय नियम के चार अनुप्रयोग हमारे सिलेबस में है, उन चारों को हम स्टडी करेंगे और चारों को सोल्व करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले दो पंक्ति में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उनको आप अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, तो हमारा जो सफलता तक का जो राग रास्ता है, जो मार्ग है, जो कठिन मार्ग है, वो थोड़ा सा सरल हो सकता है। ठीक है, तो सुनेंगे ध्यान से आप। जो जग को ज्योति बांटे, जो जग को ज्योति बांटे, तू ऐसा प्रकाश बन, मुश्किलों से लड़ने के लिए द्वारिका का नाथ बन। जो जग को ज्योति बांटे, तू ऐसा प्रकाश बन, जो कभी न रुके वह गंगा पुत्र भीष्म बन। जो कभी न रुके गंगा पुत्र भीष्म बन, चुनौतियों को स्वीकार करने वाला क्षत्रिय वीर बन। बातों की कटार से शत्रु को लहूलुहान कर, बातों की कटार से शत्रु को लहूलुहान कर, मंजिल रोकने वाले असुरों का तू संहार कर, मंजिल को रोकने वाले असुरों का तू संहार कर। अपनी सफलता पाने हेतु असफलता से सीख ले, अपनी सफलता पाने हेतु असफलता से सीख ले और प्रयत्न बार बार कर। जो जग को बांटे तू ऐसा प्रकाश बन। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें जरा टॉपिक आपके सामने है और स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। देखो, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश डीएल का जो गुणनफल का समाकलन होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट इनटू आई, धारा का म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ये परिपथ का एम्पियर का परिपथीय नियम सर्किटल लॉ है। देखें जरा स्क्रीन पर, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र में से होकर जाने वाली नेट धारा का होकर जाने वाली नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। क्लोज इंटीग्रल बी इनटू डीएल बराबर म्यू नॉट इनटू आई। अच्छा, कुछ बच्चों के सामने दिक्कत आती है कि एप्सिलॉन नॉट या काई या फिर अल्फा या बीटा, कुछ को इनको बोलने में तकलीफ होती है। तो मेरा मानना यह है कि उनको बार बार लिख करके अगर आप बोलेंगे तो आपको चीजें याद होंगी। जैसे कुछ बच्चे मैं देखता हूँ ऑफलाइन बैच में एप्सिलॉन नॉट के जब मैं बोलता हूँ एप्सिलॉन नॉट तो इधर उधर देखने लगते हैं या ई लिख देते हैं, तो या फिर मैं बोलता हूँ म्यू नॉट तो कुछ का कुछ लिखते हैं। तो ऐसी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर वापस, अब इस बात को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक तार ले लिया और इस तार के कारण क्या करा, इस तार में हमने तार के ऊपर जो है धारा प्रवाहित कर दी। देखिए स्क्रीन पर आप देखते रहेंगे, बाकी यहां भी मैं आपको समझा पा रहा हूं, क्लियर बात समझ में। यहां पर बिंदु P ले लिया, यही दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है और यही आपका अल्पांश DL मैंने माना है। तो DL और B एक ही लाइन के ऊपर है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये तो बात सभी जानते हैं। देखिए जरा हमने क्या कहा आपसे कि माना एक लंबा तार है जिसमें आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है जिसका वृत्ताकार युग्म पथ है, इसका केंद्र मैंने क्या माना है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ओ से पॉइंट पी तक की दूरी कितनी बताई मैंने, आर बताई। उसके बाद बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको बताया बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट 2 पाई इनटू आई अपॉन आर, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। और वेक्टर बी की दिशा वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अगर मैं यहाँ पर एम्पियर देखो जरा, मैंने आपको मैंने इसकी देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड,
और बचपन में आपने ऐसे संस्कार किए होंगे जरूर कि दोनों बातें अगर प्रूफ करनी हो तो दोनों में से एक को उठा लो, ये उठा लेता हूँ और ये ला के दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये बात की, मैंने क्या उठा लिया, क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल मैंने ले लिया है, और मैंने आगे बताया कि बी इंटू डी एल का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो ए बी और इन दोनों के बीच का कोण थीटा, यही तो है दोनों बी और डी एल के बीच का कोण। तो अगर मैं बी इंटू डी एल करता हूँ तो फॉर्मूला बोलेगा बी डी एल कोस कितना एंगल जीरो डिग्री, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने कहा मी नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन आर आई का फॉर्मूला बोल दिया, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लिया, अंदर बच गया डीएल। ये बात आपको कैसे पता लगेगी कि डीएल कॉन्स्टेंट है, देखो जब इंटीग्रेशन आप करते हैं ना तो उसमें क्वांटिटी के साथ में डी के साथ में जो राशि होती है, जैसे उसमें एल दे रखी है तो एल वाली जो भी क्वांटिटी है वो अंदर रहेगी, बाकी सब बाहर रहेगी। तो एल वाली तो केवल डीएल ही है, तो डीएल को आप अंदर रखेंगे। और डीएल का मतलब क्या हो गया, जब डीएल का आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन से डी कैंसिल होकर आई बच जाए और एल क्या होता है बोलो टू पाई आर, पूरी की पूरी परिधि है ना। तो देखिए जरा अभी आ गया टू पाई आर, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया, आर से आर हो गया, तो क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल बराबर क्या आ गया बताओ जरा, मी नॉट इंटू आई आर। इतनी बात क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग जल्दी से, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ जितने दोस्त कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं वो 9634519461 पर मैसेज कर देंगे, जिस भी स्टेट से आप आ रहे हैं ठीक है, बिहार और एमपी में भी कंसेप्ट यही है, चैप्टर के डिवाइडेशन में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उसको आप देख लेंगे एक बार, मैं मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी तुरंत कर देता हूँ, है ना। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है, आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और हमारी शेर व शायरी भी आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी तो उसका भी आप लोग मजा लेते रहिए, ठीक है। बिल्कुल भी माइंड पर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, तसल्ली के साथ पढ़ें। मैं फिर आपसे एक बात कहता हूँ, आप एक दिन में भले दो लाइन पढ़ें लेकिन उनको तसल्ली पूर्वक पढ़ें, ऐसा नहीं एक दिन में आज आपने बहुत सारा काम निपटा दिया लेकिन अगले चार दिन के बाद आप उसको फिर भूलें। जितना भी पढ़ें बहुत निश्चित पढ़ें और फिक्स पढ़ें, ऐसा नहीं कि आज दो पेज पढ़ लिए और कल फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर परसों बैठ के दो पेज पढ़ लिए, फिर तीसरे दिन आपने कुछ स्टडी नहीं किया। तो दोस्तों रेगुलर कंटिन्यूटी बनाएं, भले ही 10 मिनट पढ़े लेकिन डेली पढ़े, ठीक है। इतनी आपसे मैंने बात बोली है, इसको आप अपने लाइफ में ऐड जरूर कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई शेर व शायरी और कुछ नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।